हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएसआर कॉम्परेटिव मैथ्स। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीजीएल टायर वन 2020 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, सभी को हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अभी हमारी चल रही थी अलजेब्रा। ओके, अलजेब्रा की ऑल क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, मतलब ये आपकी टोटल तीन पार्ट में थी, छोटी छोटी 20-15 मिनट्स की वीडियो मैंने बनाई थी। छोटा वीडियो रहने से क्या है कि देखने में सही होता है, इसके लिए मैं वीडियो शॉर्ट रखता हूँ। तो ये आपके 3 out of 3 पार्ट है, मतलब ऑल 60 क्वेश्चंस इस वीडियो में कंप्लीट आपके हो जाएंगे। पहली जो आपने वीडियो अगर नहीं देख रखी तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चेक करो प्लेलिस्ट चेक करके, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी शुरू करेंगे क्वेश्चन हम लोग अलजेब्रा की सॉल्व करने से पहले। बट बिफोर वी बिगेन, अगर आप चैनल पर न्यू है देन मेक श्योर सब्सक्राइब एंड प्रेस दी बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन अपडेट्स। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। हमने 40 क्वेश्चंस कर लिया था, 41 नंबर क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार आपने सॉल्व कर लिया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें क्या करना है आपको, वही नॉर्मल आपको स्क्वायर बनाना है एंड आपको वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है। ठीक है, चलिए इसको कर लीजिए। क्या लिखा गया है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 17 माइनस 2A प्लस 16B प्लस 4B स्क्वायर, ये लिखी गई है। आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो क्या बन जाएगा, a माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस अगर b वाली टर्म को देखा जाए तो 2 इंटू 8 बन रहा है, मतलब और 2 इसमें भी है, 2 इंटू 2 इंटू 4, 4 दूनी 8, 24, 4 दूनी 16 बन रहा है ना। तो ये बन जाएगा 2b प्लस 4 का होल स्क्वायर। फिर आपका सी बच जा रहा है, तो सी कितना बन जाएगा, देखिए एक यहाँ चल जाएगा, 4 4 16 और एक, तो सी का वैल्यू यहाँ पर क्या बनेगा, कुछ नहीं बन पाएगा, सी के साथ कोई टर्म है नहीं, ए और बी का टर्म ही केवल था, ये जीरो। अब जीरो के साथ इक्वेट कीजिएगा तो ए आपका 1 आ जाएगा, बी आपका माइनस 2 आ जाएगा, सी आपका 0 आ जाएगा। एंड आपको फाइंड आउट क्या करना था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए फाइंड आउट करना था आपको, सॉरी रूट नहीं लगा हुआ है, माय मिस्टेक। ए क्यूब कितना है, 1 है, बी क्यूब क्या है, माइनस साइड है, ये है 0, तो ये आपका माइनस का 7 आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इस उसी फॉर्मूला पे बेस्ड है, ऐसा देख के आपको लगेगा थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन लॉन्ग कुछ नहीं है, आप थोड़ा ध्यान देंगे अगर, तो ए ए क्यूब लिखा हुआ है प्लस ए बी क्यूब लिखा हुआ है प्लस ये सी क्यूब लिखा गया है, तो ये बराबर 3abc होता है, कब, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है एंड वाइस वर्सा। तो आपको सब कुछ तो दिख गया कि ये a क्यूब है, b क्यूब है, c क्यूब है, a है, b है, c है, बट 3 कहाँ गया, तो 3 आप यहाँ से कॉमन लेना होगा आपको, यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा x प्लस 6, बाकी 2x प्लस 3 था एंड 3x प्लस 5 था। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो अभी आपको क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी को जोड़ देना है। अब जोड़ दीजिए, x प्लस 6 प्लस 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 3 4 7 7x बराबर 6 3 9 5 14 माइनस का 14, हमने कुछ गलती किया, 3 2 1 3 और 3 6x हो रही है ना, तो x वैल्यू बराबर कितना देगा, माइनस का 14/6 जो कि बच जाएगा 7/3 माइनस में, तो ये आपका उत्तर। इसमें एक ही फॉर्मूला लगा था, क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc व्हेन ओनली व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 एंड वाइस वर्सा, ये दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा है। ये क्वेश्चन देखेंगे, अब बोलिए ये क्वेश्चन आपका नहीं करवाया गया है क्या, बिल्कुल करवाया गया होगा। क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2y का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, इक्वल्स टू 53 और x माइनस 2y दिया गया है। आपसे पूछा है क्या, एक्स क्यू माइनस 8y³, आप क्या कर सकते हैं यहाँ से बताइए, कैसे निकालेंगे आप इसको। अगर आपको क्यूब निकालना है तो वो क्या चाहिए होगा आपको, अगर चाहिए देखिए x माइनस 2y का अगर क्यूब आप निकालेंगे आपको क्या चाहिए होगा, सबसे पहले इसे आपका निकल जाएगा क्या, देखिए मैं डिटेल में करवा दे रहा हूँ, एक्स क्यूब
माइनस 8y³ माइनस 3xy, मतलब x इंटू 2y और x माइनस 2y, यही है। जब इसको लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, x क्यूब माइनस 8y³ माइनस 6xy और x माइनस 2y, यही बनेगा। तो आपको क्या यहाँ पर चाहिए होगा, x माइनस 2y का वैल्यू दिया गया 5, xy का वैल्यू नहीं दिया गया, x माइनस 2y दिया गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 125। तो आपको xy का वैल्यू चाहिए होगा, तभी तो ये फाइंड आउट आप कर सकते हैं। तो xy कहाँ से निकलेगा, a माइनस b दिया गया है ना, आप वहाँ से निकाल लीजिए। x माइनस 2y का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर एंड क्या निकलेगा, माइनस का 2xy, मतलब माइनस को 2xy करेंगे तो ये 4 हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है, 4xy हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 53 दिया गया था वैल्यू, इसका करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का 4xy है, तो 25 में से 53 गया तो 28 बच जाएगा, माइनस का 28 बराबर माइनस का xy, 4 टाइम 4 से कैंसिल करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, xy आपका 7 आ गया। 7 आ गया तो यहाँ पे 7 पुट कर देते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे 7 रख देते हैं, ये माइनस 6 था, कितना हो जाएगा, 7 पच्चे 35 हो जाएगा, और ये माइनस 3 प्लस, 7 पच्चे 35 हो जाएगा, 35 छक कितना हो जाएगा, देखिए इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ आप लिखेंगे 125 प्लस 210 बराबर का एक्स क्यूब माइनस का 8y, जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 335 बराबर एक्स क्यूब माइनस का 8y³, ठीक है, 6 × 7 = 42 बचे 210, तो 335 आपका उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या दिया गया है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ये पावर में दिया गया है, तो आपको पावर रिड्यूस करना है, रिड्यूसिंग पावर है ये, तो लिखा गया है x का पावर 8 प्लस का 16 बराबर का 433 x का पावर 4, अगर x की पावर 4 से अगर डिवाइड कर देंगे पूरे में तो बच जाएगा x का पावर 4 प्लस 16 बटे x की पावर 4 बराबर में 433, इसका अगर x स्क्वायर प्लस 1/x² निकालेंगे, मतलब 4 हो जाएगा यहाँ पे, 4/x² निकालेंगे तो क्या बन जाना चाहिए बोलिए, 433 प्लस 2 × 4, रूट में है ये, 4 × 2 = 8 कितना हो जाएगा, 441, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4/x² आपका आ गया 21, और यहाँ से आप लिख सकते हैं x प्लस 2/x प्लस का 4 और रूट कर देंगे फिर से तो निकल जाएगा, तो आपका 25 में जो 5 आ गया, तो ये आपसे पूछा गया था, आंसर आ गया, मैंने वो रिवर्स पावर जाना था, मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² अगर आपको ए दिया गया है तो एक्स प्लस 1/x कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या दिया गया है, पी माइनस 2³ बराबर दिस एंड पी क्यू बराबर दिस, आपको ये निकालना है, क्यू में निकालना है तो क्यू में निकाल लीजिए, क्यू भी करना है, तो आपको यहाँ पे पी क्यू का वैल्यू दिया गया था पिछले वाले क्वेश्चन में, पी क्यू मतलब एक्स वाई की वैल्यू नहीं दी गई थी, चलिए इसका क्यूब करें तो क्या हो जाएगा, 3³ = 27 बराबर दिस जो निकालना है हमें, ठीक है, माइनस का पी क्यू दिया गया है तो क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15 और गुने 3, 15 × 3 = 45, ठीक, एक मिनट, हमने कुछ तो किया, p - q, p - 2³ का हमने क्यूब कर दिया, 27 हो गया एंड p³ - 8q³ हो गया, फिर हम माइनस का 3 टाइम ऑफ p³ × 2 × 3, ये हो जाएगा, 3 × 5 = 15 × 3 = 45, 15 × 3 = 45, एक मिनट, हमने कहीं कुछ गलत किया लगता है, ठीक है, कुछ गलती हमने किया नहीं था, ये आपका 5 × 3 = 15 × 3 = 90, तो pq 8 q³ आपका 90 प्लस 27 मतलब 170 आपका उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए इसको आप बेसिक्स भी जा सकते हैं, लेकिन इसका वैल्यू अगर पुट करें तो जल्दी
बन जाएगा ये क्वेश्चन। जैसे एक का वैल्यू अगर 4 पुट कर देंगे हम लोग, तो यहाँ अगर 4 रखे, यहाँ 4 रखे तो 4 दिया 12 माइनस 1 बराबर 1 हो गया। यहाँ पर 4 चौके 16 बटे 16 बटे 16 बराबर 1/17 आपको उत्तर हो गया। आप बेसिक्स भी जा सकते हैं, लेकिन इसे नॉर्मल करना आसान रहेगा। बेसिक्स से जाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस 12 बराबर ए हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 12 मतलब थोड़ा लंबा जाएगा ये। इससे आप जब बेसिक से तभी जाइए जब शॉर्ट पड़े, अगर वैल्यू पुटिंग अगर शॉर्ट पड़ रहा है तो वैल्यू पुटिंग से आप जा सकते हैं। 47 नंबर देखेंगे। देखिए ये आपसे पूछा गया, क्यों पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं आपको दिखना चाहिए, जैसे ये क्यों पूछा गया था वो दिख जाना चाहिए। लिखा गया है 2x का क्यूब माइनस 3x³, मतलब 3x का होल क्यूब लिखा गया, ये 3x का होल क्यूब, ये आपको देखते शायद दिख जाना चाहिए। इसको अगर ध्यान से देखेंगे, लिखा गया 4x⁴ प्लस 9 = 37x², अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें हम तो बन जाएगा 4x² प्लस 9x² बराबर में 37 बन जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम निकाल दिए 2x प्लस 3x अगर निकालना चाहे तो क्या बन जाएगा, 37 बन जाएगा प्लस में 2 × 4 × 3, मतलब देखिए 2a भी होता है तो 2 × 2 × 3, और 2 के साथ x मल्टीप्लाई था 1/x, तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए x का कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं यहाँ पर, ठीक है। इसमें 3 × 6 × 12 ये 49 है, मतलब 7 आ गया। अगर ये 7 आ गया तो आपको क्या निकालना था, माइनस में निकालना था, तो 2x माइनस 3/x अगर निकालने जाएंगे आप तो कैसे निकलेगा बताइए। अगर x माइनस, देखिए मैंने फॉर्मूला आपको बार बताया है, x माइनस 1/x बराबर अगर a दिया गया है, ठीक है, और आपको क्यूब निकालना है x माइनस 1/x का क्यूब, तो a क्यूब प्लस 3a होता है। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 का क्यूब 343 यही हो जाएगा, 7 का क्यूब 343 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको करना है क्या, माइनस, ठीक है, ये दिया गया था, चलिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ ये प्लस दिया गया था ना, ये प्लस था, तो 2x प्लस 3x अगर प्लस आ गया, एक फार्मूला और होता है, जैसे मतलब x प्लस 1/x बराबर अगर a दिया गया है तो x माइनस 1/x कितना हो जाएगा, रूट अंदर ए स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, रूट अंदर ए स्क्वायर माइनस का 4 हो जाएगा, तो 7 के स्क्वायर माइनस का 4 और रूट 7 के स्क्वायर 49 × 2 × 3, तो 7 × 4 = 8 = 24 25 2x माइनस 3/x आपका क्या आ गया, 5 आ गया। अब आपसे पूछा गया क्या, ये पूछा गया था इसका क्यूब, क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस 3a अल्फा बीटा, तो ए क्यूब मतलब 5 का क्यूब 125 प्लस 3 × 5 × 3 × 2, 5 दिया 15 या 45 दो 90, 125 प्लस 90 कितना हो गया, 215, ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। हमने क्या किया फिर से बता देते हैं, 4 की पावर से हमने स्क्वायर पे लाया, स्क्वायर से हमने सिंगल पावर, फिर हमने माइनस के पावर पे ले आया और माइनस को हमने क्यूब कर दिया, इतना ही काम करना था। डाइट भी कर सकते हैं एक स्टेप नेगलेक्ट करके, बट मैंने पूरा एक एक स्टेप करके आपको दिखाया, ठीक है। ये क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार आपने कर लिया, अब आप इसे कर सकते हो, मैं फिर भी करके दिखा रहा हूँ। ये आपका ए क्यूब लिखा हुआ है प्लस बी क्यूब लिखा गया है, डिवाइड में आपका ए प्लस बी लिखा गया है, बच क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के भी बच जाएगा। ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, निकाल लीजिए, ए स्क्वायर मतलब ए का वैल्यू 8 आ गया, बी स्क्वायर मतलब 3 × 9 = 27 आ गया, प्लस सी, सी का मतलब ए इंटू बी करेंगे तो 3 × 2 = 6 और 2 × 3 = 6 मतलब 6√6 आ गया माइनस में, ठीक। अब कंपेयर करके यहाँ लिख दीजिए, ए की वैल्यू 8 × 2 = 16, 27 * 81 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √6 दिया गया है तो 6 × 12 = 72 ये आपका हो गया। अब यहाँ से आप प्रूफ कर लीजिए, मतलब निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा बताइए,
इक्यासी है, 72 है, माइनस में 81 है, तो 8 एक 9 और 16 में से 9 गया तो 7, 7 आपका आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पहले अच्छे से करवाया था, अब नहीं देखे आप तो वीडियो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब बोलिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 405 दिया गया है, ए प्लस बी 9 दिया गया है, तो बताइए क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे आप इसको। ए बी का वैल्यू फाइंड करना है, कुछ समझ में नहीं आए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ही लगा दीजिए आप। चलिए देखिए, ए प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे तो क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी ए प्लस बी बनेगा। ए प्लस बी का होल क्यूब 9 का क्यूब 729, ए क्यूब बी क्यूब 405, 3 ए बी पता नहीं, ए प्लस बी हमें पता है 9, मतलब ये लिखा गया 9 से 27 का ए बी लिखा गया, कोई दिक्कत, 27 का ए बी लिखा गया। 405 इसमें से घटा देंगे तो 5 4 2 3, 27 से डिवाइड कर देंगे तो ए बी निकल जाएगा आपका, 27 एकम 27, 27 दूनी 54, तो 12 आपका उत्तर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिर से वही क्वेश्चन दिया गया, इसमें कुछ नया है नहीं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके इक्वल टू में होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम ऑफ दिस, है ना, इसको लिखते हैं 3 टाइम ऑफ दिस, समझ जाइएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया गया है 2, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आपका हो गया 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 33, 33 4 37 37 दूनी 74 आपका उत्तर। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया है, देखिएगा जो दिया गया है उसका क्या पूछा गया, क्यू पूछा गया है, व्हाट टाइम पावर 4 पूछा गया है, एंड आपको यहाँ माइनस में है यहाँ प्लस में पूछा गया, बस आपको इतना ध्यान देना है। तो सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, देखिएगा 2x-3x = 2 दिया गया है, तो 2x आप इसे डायरेक्ट स्क्वायर में भी जा सकते हैं, अगर स्क्वायर में जाएंगे तो आप लिख सकते हैं 4x² + 9x², इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है बताइएगा। अगर आपको माइनस दिया गया था, माइनस इधर स्क्वायर में जाना चाहेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2 × 2 × 3, मतलब 3 × 6 × 12 = 16, 16 हो गया। अब इसका स्क्वायर एक बार और करेंगे तो हम लोग यहाँ पहुंच जाएंगे, ये बन जाएगा 16x² + 81x⁴, एक्चुअली 4 है ये, 16² = 256 - 2 × 4 × 9, तो 9 × 36 = 72, इसमें से 72 घटा देंगे तो 6 में 2 = 4 और 85 में से 18, 184 आपका उत्तर। क्वेश्चन देखेंगे, देखिए -8 पूछा गया है, प्लस में पूछा गया है, यहाँ का माइनस दिया गया है, बस दोनों को चेंज कर देना है। अभी मैंने बताया था कि आप डायरेक्ट इससे अगर स्क्वायर अगर प्लस में जाओगे तो ए स्क्वायर प्लस 2 बन जाता है, मतलब 1² + 2, मतलब ये 3 आ गया, ये आपका क्या निकल गया, x² + 1/x² = 3 आ गया। इसको एक बार और स्क्वायर करेंगे तो इसकी पावर 4 + 1/x² बन जाएगा, जो कि 9 - 2 मतलब 7 हो जाएगा। एक बार और स्क्वायर करेंगे तो x² = 8/1x² बन जाएगा, जो कि 49 - 2 हो जाएगा, जो कि 47 मतलब 47 आपका उत्तर। क्वेश्चन देखेंगे, आपको रिवर्स पावर आने के लिए बोला गया है तो आपको पता होना चाहिए कि x² + 1/x² लिखेंगे यहाँ पे प्लस 2 एंड रूट हो जाता है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 27 बन जाएगा। फिर x + 1/x लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, -2, मतलब ये 25 बन जाएगा। नहीं एक मिनट, ठीक है, फिर अगर लिखेंगे तो फिर यहाँ पे -2 और रूट लगा देंगे, सॉरी प्लस 2 और रूट लगा देंगे तो रूट का 29 बन जाएगा, और x - 1/x लिखेंगे तो क्या होता है, a² - 4, मतलब 29 - 4 का रूट, तो क्या हो जाएगा, 29 में 4 = 25, मतलब 5, ये 5 आपका आंसर। ये क्वेश्चन देख लेंगे क्या लिखा गया है, 2x - 1 = में दिया गया है 8x, एक्स अगर डिवाइड कर देंगे, x² यहाँ पर एक्स अगर डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा 2x - 1/x = 8, पर आपको इसका क्या पूछा गया, क्यों पूछा गया, ठीक है।
क्यूब निकालने के लिए क्या करना होता है वो पता है? ए क्यूब हो जाता है, मैंने 8 का क्यूब कितना हो जाता है? 8 का क्यूब कितना हो जाता है बोलिए? 512 प्लस में 3 into a into 2x into 1y x तो कैंसिल हो गया, 8 से 24 दूनी 48, 48 जोड़ देंगे इसमें, बन जाएगा 560। यह आपका उत्तर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको आप मैंने बताया था आप सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा आगे जाके, एक्स वाई वाई माइनस एक्स बराबर 11/24। अगर ऊपर माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस वाई बन जाएगा ये, बटे में एक्स वाई बराबर 11/24। एक्स वाई, एक्स माइनस वाई का वैल्यू दिया गया था कितना? एक्स माइनस वाई का वैल्यू 11 दिया गया था, यहाँ 11 रखेंगे तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस का 24 आ जाएगा। क्लियर है? बोलो क्लियर है कि नहीं? ये हो गया। पूछा गया है आपसे क्या? एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पूछा गया है। एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब निकाल लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वैल्यू तो हमें मिल गया। अगर आप एक्स वाई का स्क्वायर करोगे तो यही तो आएगा, मतलब 24 का स्क्वायर मतलब कि 576 यहाँ का वैल्यू हो गया, प्लस में एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब निकालना है तो आप इसका क्यूब कर दो, क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई का अगर होल क्यूब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई, यही होगा ना। एक्स माइनस वाई कितना दिया? 11 का क्यूब 1331 बराबर एक्स क्यूब वाई क्यूब हमें निकालना है, हमें पता नहीं। माइनस 3xy, xy हमें कितना आया था? xy आया था 24, 24 दिया 72, ठीक है 72, ये हमारा माइनस का 72 इंटू 11, तो 72 इंटू 11 कितना होता है बोलो? 72 × 11 कितना होता है? 792, 792 प्लस का है, माइनस माइनस प्लस तो यहाँ जाके ये माइनस हो जाएगा 792, ठीक है। 1331 में 792 जाएगा तो कितना बचेगा? 1331 में 792 जाएगा तो 540 बच जाएगा आपका, 539 बच जाएगा। आपका वैल्यू कितना आ गया? आपका वैल्यू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आपका आ गया 539। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 539 प्लस 576 कितना हो जाएगा? 6 9 15 का 5 हासिल 1 7 4 11 का 1 हासिल 1 8 5 10 11 1115 आपका उत्तर। 56 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, बस आपको इसको थोड़ा सॉल्व करना होता है। एक्स क्यूब से डिवाइड कर दें क्या बन जाएगा? एक्स क्यूब माइनस 1/x³ - 5 डिवाइड करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 1/x³ + 7। तो आपको निकालना क्या है? एक्स क्यूब माइनस 1/x³, यहाँ से निकालेंगे एक्स क्यूब माइनस 1/x³ निकलेगा 125 प्लस कितना निकल जाएगा? 5 से 15 ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 30 40 140 बन जाएगा। 140 में से 5 घटाना है, 140 में 7 जोड़ना है, 135/147 आपका उत्तर, ठीक है। तो 5 3 8 1 9 7 4 11 12 3 से काट दीजिए, 3 4 12 3 5 15 3 4 12 3 9 27 तो 45/49 आपका उत्तर, दिस इज योर आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 57 नंबर, क्या दिया गया है? 16x² प्लस y² 48 xy² एंड दिस दिया गया है। तो आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सॉल्व भी करके दिखा दे रहा हूँ। ये लिखा गया है 4x² प्लस y² = 48 लिखा गया, और निकालना क्या है? क्यूब निकालना है, ठीक। तो हम लोग पहले निकालेंगे 4x प्लस y का क्यूब, क्या निकल जाएगा? 64x³ प्लस y³3xy x + y, यही है। x प्लस वाई की जगह में कितना लिखा गया है? 4x + y लिखा गया है, जो वैल्यू हमारे पास उसको रख दीजिए। 4x + y का वैल्यू हमें नहीं दिया गया है, 64x³ का वैल्यू भी हमें नहीं दिया गया है, हमें दिया क्या गया है? xy का वैल्यू दिया गया है 2, तो 4 × 8 = 24 4x + y, ठीक है। तो हमें पहले x + y का वैल्यू निकालना होगा, निकाल लीजिए।
फोर एक्स प्लस वाई का अगर होल स्क्वायर करें तो क्या बन जाएगा, 16x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 xy, ठीक है यही बनेगा। अभी 4x + y पता नहीं है, 16 पता है, हम यहाँ 48 रख देते हैं, प्लस यहाँ पे 8 दूनी 16, तो 4x + y कितना आ जाएगा, 8 से 14 का 4 हासिल है, 4 1 5 64 8 आ गया। जैसे 8 आ गया तो यहाँ पर रख देंगे 8, 8 का क्यूब हो गया 512, यहाँ 8 रख देंगे तो 24 8 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 24 8 192 हो जाएगा, ठीक है। तो 64x³ प्लस वाई क्यूब माइनस कर देंगे कितना, 192 कितना आ जाएगा, 300 आपका उत्तर हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार ही मैं करवा दिया हूँ, ये क्वेश्चन उस टाइप का ही क्वेश्चन है, सेम ही है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो बनेगा एक्स वाई, यहाँ बनेगा एक्स प्लस वाई, यहाँ बनेगा 16/15, वैल्यू रखेंगे 4 तो कट जाएगा 4 बार में, तो एक्स वाई आपका आ जाएगा 15/4। निकालना है x³ + y³, वही लगा दीजिए, x + y³ बराबर क्या होता है, x³ + y³ + 3xy, x+y, मैं हर बार फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए, 4 का क्यूब हो जाएगा 64, x³ + y³ हमें निकालना ही है, +3 × 15/4, और x+y कितना दिया गया है, 4 4 से 4 कट गया, तो 15 दिया 45, इसमें से 45 घट जाएगा तो आएगा 19, 19 इज योर आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे तो ये अगर आप ए मान लीजिएगा, इसको बी मान लीजिएगा, इसको सी मान लीजिएगा, तो लिखा गया है a³ + b³ + c³ बराबर 0 है कि नहीं चेक कर लीजिए। तो देखिए ऐड कर लेंगे, a² - b² + b² - c² + c² + c² - a² ए कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, मतलब ये 0 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, ये a³ + b³ + c³ = 0, मतलब सॉरी मतलब 3abc के बराबर में हो जाएगा, कब, जब a + b + c = 0 होता है, मैंने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे, ऊपर हमने 5, नीचे हमने 2 कॉमन ले लिया, तो क्या लिख सकते हैं ऊपर हम लोग, a² - b² 3abc के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। अब मैं क्या कह रहा हूँ, जब देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, हो सकता है समझ में ना आया हो, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा गया है, देखिए एक बार मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ, अगर हल्का ब्लड दिख रहा होगा तो, a² - b² का क्यूब लिखा गया है, 5 मैंने सारे में कॉमन ले लिया, ठीक है, प्लस b² - c² का होल क्यूब लिखा गया है, प्लस c² - a² का होल क्यूब लिखा गया है, ठीक है। डिविजन में आपका 2 अगर कॉमन ले ले तो लिखा गया है a³ - b³ का क्यूब + b³ - c³ का भी क्यूब लिखा गया है, प्लस c³ - a³ का क्यूब लिखा गया है। एक टर्म होती है a³ + b³ + c³ = 3abc, कब, जब a+b+c का मान 0 के बराबर हो। अगर आप सभी को जोड़ोगे, जैसे मैं जोड़ के दिखाता हूँ, a² - b² + b² - c² + c² - a² + c² - c² - c², तो ये इससे कैंसिल हो जा रहा है, सी सी से और बी बी से, मतलब 0 आ जा रहा है, मतलब हम लोग a³ - b, a³ + b³ + c³ को हम 3abc के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दीजिए। अब नीचे भी देखिए वही फॉर्म लगेगा, a कैंसिल हो जाएगा a से, c इससे और b इससे, तो आप इसे आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए उसी फॉर्म में लिख देते हैं, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3a² - b² - b² - c² - c² - a² - 6 डिवाइड में क्या लिखा हो गया है, 3a³ - b³ का क्यूब लिखा गया है,
ठीक है, बी क्यूब माइनस सी क्यूब का भी क्यूब लिखा गया है और सी क्यूब माइनस ए क्यूब का भी क्यूब लिखा गया है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और 5/2 कॉमन था। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ, ये लिखा गया है 5/2 तो कॉमन है, 3 कैंसिल हो गया, ये लिखा गया है ए क्यूब ठीक है, ये लिखा गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का स्क्वायर, ठीक है, आप लिख सकते हैं। ये लिखा गया है, मतलब देख और अच्छे से लिखिए, मैं छोटा करके लिखना पड़ेगा इसमें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऐसा लिखा गया है, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, सी क्यूब माइनस ए क्यूब, सी क्यूब माइनस ए क्यूब ऐसा लिखा गया है। और नीचे में क्या लिखा गया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब 3 टाइम है, बी क्यूब माइनस सी क्यूब 3 टाइम, सी क्यूब माइनस 3 टाइम, ठीक है, इसे देखेंगे कैंसिल हो जा रहा है। कैंसिल होने के बाद क्या बच जाएगा आपके पास, आपके पास बच जाएगा 5/2, ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी क्यूब प्लस सी क्यूब और सी क्यूब प्लस ए क्यूब, नीचे वाला नेगेटिव पावर था ऊपर जाके पॉजिटिव बन जाएगा, ये आपका उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, क्या लिखा गया है, 2x प्लस 2y का होल क्यूब माइनस 3x माइनस 3y का होल क्यूब। आपको इसको क्या करना था, ब्रेक करना है, तो आप इसको ब्रेक कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने काफ़ी सारे करवा दिए हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस फॉर्मूला पे तोड़ देना है। मैं लिख भी देता हूँ, 2x प्लस 2y, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पहले, देखिए क्या लिखा गया, 2x प्लस 2y माइनस 3x माइनस 3y प्लस 3y, ठीक है, फिर अंदर में लिखेंगे क्या लिखा रहेगा, ए स्क्वायर मतलब 2x प्लस 2y का होल स्क्वायर, फिर लिखा हुआ है प्लस बी स्क्वायर मतलब 3x माइनस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y मल्टीप्लाई 3x माइनस 3y, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x मतलब 5y माइनस x, इसको सॉल्व करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4 8xy प्लस 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर 3 9 18 माइनस का 18xy, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, ये बन जाएगा 2 6x स्क्वायर 3 9 माइनस का 9xy 2 6xy और फिर माइनस का 2 6y स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब इसको आपको कस्टमाइज करके लिख लेना है उसके हिसाब से, 5y माइनस एक्स, देखिए आप इसको डाइट भी कर सकते हैं लेकिन मैं पूरा बेसिक से करवा दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ 9 6 15 4 19 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई देखेंगे तो 8 यहाँ है 18 यहाँ है तो माइनस का हो गया, यहाँ प्लस का 6 है, प्लस का 6 है यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस 8 6 14 और यहाँ भी है, तो देखिए 6
आठ 14 हो गया, 14 में से 18 के हाथों बच गया माइनस का 4, और माइनस यहाँ भी है 9, तो 9 4 13 माइनस का 13 एक्स वाई हो गया। अब वाई स्क्वायर देख लेंगे, 4 यहाँ पर है, 9 4 13 हो गया, 13 में से 6 चला गया तो 7 बच गया, प्लस 7 का वाई स्क्वायर। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ए आपका 19, बी आपका 13 और सी आपका 7 आ गया, मतलब 19 प्लस बी तो आपका माइनस 13 हो रहा है, ठीक है। हमने यहाँ छोटी सी गलती कर दी थी, यहाँ पर ये 9 नहीं होगा, यहाँ पर 6 होना चाहिए, मल्टीपल 6 आ रहा था, ये अगर 6 आएगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारी ए है, ये हमारी बी है, हमारे सी है, तो ए हमारा हो गया 19 प्लस बी, बी आपका 7 माइनस टाइम ऑफ माइनस 10, 19 7 26 10 36, तो 36 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है, सब क्वेश्चंस हो गए। तो अलजेब्रा 2020 सीजीएल पीटी के जितने क्वेश्चंस थे वो सारे कंप्लीट हो गए इस वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आ जाएगी, आपको प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है, प्लेलिस्ट पे जाके आप चेक करो, वहाँ पे सारे वीडियोज लाइन बाय लाइन आपको मिल जाएगी, सीजीएल सीएचएसएल सभी के टॉपिक वाइज सॉल्व करवा दिए जा रहे हैं। ओके, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लेंगे आप। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ गुड डे, थैंक यू।